सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और मंच पर बैठे हुए जो भूख हड़ताल लोग बैठे, खास करके वे लोग जो दूसरे भी अलग अलग जगह से जो लोग आए, मुद्दा आज का भी ये क्यों हम पूरे देश भर का प्रोग्राम ये था कि 3 घंटे रास्ता जाम रहेगा। बहुत लोग के सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया गया। कल कुछ इस तरह की इनपुट हमारे पास में थी कि लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेंगे, किसान संगठन का झंडा हाथ में लेंगे, कैंप किसान संगठन की होगी, रास्ता रोकेंगे और 5 जगह का अभी टारगेट हुआ है कि 5 जगह में लोग गड़बड़ फड़ाने के काम करेंगे। उनकी तैयारी थी, वहां से पता चला गया तिरंगे उनके पास में थे, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा गया और एक तोड़फोड़ की पूर्ण रूप से प्लान थी। तो हमने यहाँ पे राज्यपाल जी, हम लोग सब लोग थे यहाँ पे, उनको बता के इस तरह की कार्रवाई चाहती है, खास करके इन जिलों में उनका प्रोग्राम अभी था जो लगते हुए जो जिले हैं, मतलब किस तरह की सोच लोगों की है कि किसी के मूवमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए मूवमेंट को कैसे उसको तोड़फोड़ की तरफ कहा जाए। हमारा कोई मकसद तोड़फोड़ का नहीं, हमने तो पूर्ण रूप से जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा तो वो तोड़फोड़ करता है, हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हो रही थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं, उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं, उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोलनी उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हो या पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हो या पकड़ा जाएगा, अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और FIR उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में जब 26 तारीख की घटना हुई, लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं से दीवार पर खड़ा होकर हमसे ही क्वेश्चन कर रहा था, मगर भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा, उसका गट्टा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे, उन्होंने बता दिया कल भी आ रहा था, और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए, अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी, बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा, उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा उसको यहाँ से जाना होगा। या तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको यह स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है, हमारे पे टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है,
किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाना है, पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में, 11 तारीख, 7 तारीख में, 9 में, 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे, एक दिन यहां एक दिन बाहर, एक दिन यहां एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करे यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर गांव वाले समझ जाएंगे सब। फिर कहेंगे जी ने कील काटने की बात करी, हाँ करी हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे छोटे जी। अब फिर लगाओ जाइए और जी, फिर ये कह दिया हमारे गांव वाले सब समझ जा क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो वो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगवा ली, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जाधारी है उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पे हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये भी होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले रहे एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे, हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा, किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहियो कि किस तरह का आंदोलन है, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना वे भी दिखाओ करके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है, गांव में तिरंगे में लिपट करता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना वो सच होती जा रही है, व्यापारी चमड़ी दे देगा दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है ये समझ लेना साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है उसके अनाज से लगाव है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार है, कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी, दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता, कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था, एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला कहां था। हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पे भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन से चीज चल रही, इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो, ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पर,
अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टर का है। हम जाएंगे देश में और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े, अपने ट्रैक्टर पे लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद इलाके का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी, जितनी है दिन काम चलता रहेगा ठीक। कभी बढ़ा दी झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई ठीक कर लिया काम, जो गन्ना किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गांव में चला जा, दूसरे वाला यहां पा जा, जो ठीक पड़ गया रूटीन। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलतफहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे, वकील बोएंगे हम फसल बोएंगे। हम भी किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पे ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चला जाए, अपने खेत में बखेर देना, वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। ये आंदोलन मिट्टी से ही जोड़ना है। जो हमारा नौजवान है अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच जो कर लेगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऊपर है, हमारे प्रस्ताव है ये एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, उसके बगैर घर नहीं जाएंगे। ये गलत फहमी छोड़ दे कि 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। हम सरकार को छोड़ नहीं सकते, ना हम आंदोलन छोड़ देंगे ना हम सरकार को छोड़ देंगे। ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर अब कानून नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने का। देश का किसान आधे रेट में लूटा है, देश का किसान आधे रेट में लूटा है। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे बिकता है, पूरे देश में नहीं बिकता। ये पूरे देश का सवाल है। ये बांटने की कोशिश करेंगे, एक स्टेट का आंदोलन ना, ये पूरे देश का आंदोलन है। यात्राएं निकलेगी, कब क्या प्रोग्राम होना वो भी बताएंगे, शहीद स्मारक भी बनेंगे, सब चीज होगी। और जो बॉर्डर पे, जो हमारा सिंगू बॉर्डर पे ऑफिस है, फैसले फसलों के फैसले किसान करेगा, किसान करेगा फसलों के फैसले, और आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, फसलों के फैसले किसान करेगा। आप दिक्कत मन में अपना तब बतावा लेते रहो, गांव में तैयार रहो, कभी भी कॉल हो जाओ अपना आ जाओ। जिस हिसाब से युवा आया है, जो यूथ आया है, सबसे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ गया। आपको अपनी जमीन से ही रोजगार मिलेगा। व्यापारी रोजगार नहीं देने का, उसके गलत फेम में मत रहना। वो आपकी जमीन छीनने का काम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आपकी जमीन के रेट बढ़ा के भी लेगा। आपको जमीन नहीं देनी ठेके पे, जमीन नहीं देनी उसको। ये जो नोटिस जा रहे हैं, जिस थाने में नोटिस जा रहे हैं,
उनकी भी कॉल होगी। आंदोलन अगर नोटिस जाएंगे, नोटिस वापसी नहीं होते तो आंदोलन थानों पे भी होंगे, आंदोलन समझे ना होंगे। ये जो नोटिस है ना, जो दिल्ली के आंदोलन में होगा उसको नोटिस जाएगा, जो अयोध्या में मंदिर तोड़ने का काम करेगा उनको नोटिस नहीं जाएगा। कितने लोग थे अयोध्या में मंदिर तोड़ने में, किसने गारंटी ली उसकी? भीड़ को क्यों नहीं रोका वहां पे? ज्यादा इसको पॉलिटिकल ना बनवाने की कोशिश करें। ये जो भी नोटिस भेज रहे हैं जिस जिले में, इनका भी अगला इलाज बताओगे क्या करना पड़ेगा। अगला आंदोलन इन पे भी होगा, यहां पे भी चलेगा और वहां पे भी चलेगा। ये आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, बातचीत होगी, ये भी उसमें शामिल होंगे। बेफिक्र हो, ये आंदोलन कारियों के नोटिस नहीं है, ये उन 40 लोगों को है, देश के किसानों को नोटिस है, इसको संज्ञान में लिया जाएगा, नहीं छोड़ने के। पूरा मुक्ति अभियान चलेगा, फिर मुक्ति अभियान वो भी चलेगा देश में। मतलब नोटिस तक किसान को डराओगे? 10 साल पुरानी एक भी गाड़ी नहीं चलने की थाने के अंदर, एसएसपी भी काली गाड़ी में चलता है, शीशे काले करके बम्पर लगा के चले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कानून की किताब हमने भी पढ़ रखी, उलझाओ ना केस को। एक गाड़ी नहीं चल सकती 10 साल पुरानी। अगर ट्रैक्टर 10 साल पुराना दिल्ली में आ गया तो उसको नोटिस, और गाड़ी 10 साल पुरानी चलेगी तो उसको बिना नोटिस, कैसे कैसे हो जाएगा? इंसाफ होगा, कानून को सबको मानना पड़ेगा। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बात कर ले, हमारी कमेटी है, सिंगू बोर्ड और ऑफिस है, सब जानते हैं। तो इसी के साथ में भाई धन्यवाद आप सबका, और भाई प्रेस के लोगों के साथ।